हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि रंजन और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। इसमें 10 टॉप 10 क्वेश्चन रखे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। तो इस 10 में से 10 क्वेश्चन तो आप सभी का सही होना चाहिए। पूरी वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का एमसीक्यू। ठीक है, पहला एमसीक्यू आप सभी के सामने है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को शामिल किया गया है। जलमंडल में कौन कौन सी अवस्थाओं को शामिल किया गया है? ए जल, बी बर्फ, सी जलवाष्प, डी उपरोक्त सभी। क्या उत्तर होगा सही, जल्दी से बताइएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा चीजों को। हाँ, ए क्या उत्तर होगा, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, डी इज द राइट आंसर। पृथ्वी बहुत ही बड़ा भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल, जलवाष्प शामिल किए गए हैं। इसी के साथ साथ हम सेकंड एमसीक्यू पर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कितना आप जानते हैं। पश्चिम मंडल के अंतर्गत कौन कौन सी परिमंडल शामिल है? ए स्थल मंडल, जलमंडल, बी स्थल सॉरी जलमंडल और वायुमंडल, सी स्थल मंडल और वायुमंडल, और डी स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। क्या शामिल है आपको बताना है, जल्दी से बताना है, टाइम नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ी होती हैं तो आसानी से समझ में आ जाती, याद भी रहना चाहिए, टाइम हमें कम मिलता है इम्तिहान में भी। तो इन चीज़ों को जैव मंडल के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइए क्या उत्तर सही होगा। डी इज अ राइट आंसर, सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है। अस्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, यानी कि पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैव मंडल कहलाता है। इस परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अंत सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगले एमसीक्यू पर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या सही होता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलीमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। क्या उत्तर होगा सही, बताइए जल्दी से, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ सभी का आंसर का। हाँ, क्या उत्तर होगा जी, जल्दी, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। यस, बी इज अ राइट आंसर, यानी कि माउंट एवरेस्ट, यानी कि अस्थल की ऊंचाई को समुद्र तल में मापा जाता है, अस्थल की ऊंचाई जो है समुद्र तल से मापा जाता है, और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसे समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, और K2 दूसरे नंबर पर 8611 किलोमीटर, 1100 मीटर, 8611 मीटर ऊंचा, और तीसरा है आपका कंचनजंगा जो समुद्र तल से 8556 मीटर ऊंचा है। ये था आपका जो है एमसीक्यू नंबर 3। और आगे की ओर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि विश्व का सबसे गहरा कौन सा महासागर स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर, और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, बी अटलांटिक महासागर, और सी हिंद महासागर, और डी अटलांटिक महासागर। जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा सही है, जल्दी से बताइए, मैं सभी का उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा हूं। यस, वेरी गुड, यानी कि ए प्रशांत महासागर इसका उत्तर सही है, यानी कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्थ है जिसकी गहराई 11022 मीटर है, 11022 मीटर है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। अगले एमसीक्यू पर चलते हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोगों को, और बात अब महाद्वीप की करते हैं, महासागर की तो हुई, अब बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है, यानी कि पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ए,
बी एशिया उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अफ्रीका यूरोप, बी है और सी एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका यूरोप और डी एशिया यूरोप अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका। क्या उत्तर सही है बताइएगा, कौन सा सही है सही क्रम के अनुसार बताइएगा, बढ़ते क्रम अनुसार आकार के हिसाब से। हाँ यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दे रहे हैं सब लोग आंसर। सी इज अ राइट आंसर, यानी कि पृथ्वी के महाद्वीपों को आकार के अनुसार एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अटलांटिक यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इज अ राइट आंसर इज अ से। अगले एमसीक्यू पर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या छठे में शामिल है। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली असली संरचना में शामिल है ए यूरेल पर्वत, बी आपका यूरेल नदी और सी आपका ककेशा पर्वत। कौन सा सही है, ए आपका केवल वन, बी दो और तीन, सी तीन एक और दो और डी उपरोक्त सभी। सी का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। सी का आंसर क्या होगा, सॉरी इसका आंसर क्या होगा जल्दी से लिख करके बताइए, छठे का आंसर जल्दी। सी इज राइट आंसर, केवल एक और दो सही हैं। और इसको क्यों सही है, तो यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं जिसे यूरोल यूराल पर्वत और यूराल नदी के रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया के दो अलग महाद्वीप में समझा जाता है और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा सही आंसर। एमसीक्यू नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि तीनों गुजरती है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा मकर रेखा और विषुवत प्रति तीनों गुजरती है, जल्दी से बताइए। क्या उत्तर सही होगा, ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी यूरोप और डी एशिया। जल्दी से बताइए क्या उत्तर सही है। हाँ जल्दी से, तीनों मकर कर्क विषुवत व्रत, ये इज राइट आंसर अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क मकर और विषुवत रेखा तीनों रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश और इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो सभी का उत्तर आप लोग अच्छा दे रहे हैं और देखते हैं कि 10 में से 10 कितने लोग अपने आप में से उत्तर दे पाते हैं। तो आगे देखते हैं एमसीक्यू नंबर 8, जो कि आप सभी का बहुत ही अच्छा आंसर मिल रहा है तो खुशी भी होती है। और 8वां एमसीक्यू, यानी कि सिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है, सिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है, ए पनामा नहर, बी स्वेज नहर और सी कीला नहर और डी सुनहरा। कौन सा उत्तर सही है जल्दी से बताइए। 8वें का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए और मैं उत्तर का प्रतीक्षा कर तो रहा हूँ और आप भी बहुत ही जोरदार आंसर दे रहे हैं। लग रहा होगा सिंपल है, कोई बात नहीं, एडवांस की ओर बढ़ेंगे तो आपकी सिंपल क्वेरी निकल जाएगी। जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी से, एशिया है ना, वो एशिया है, वो मिस्टेक है ना, सिया नहीं एशिया, एशिया से, एशिया की अफ्रीका से है ना, एशिया है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है, एशिया को अफ्रीका से। यस, बी इज राइट आंसर, स्वेज नहर सही उत्तर है, यानी कि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीपीय में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जो है आपकी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीकी महाद्वीप से अलग करती है और ये आपका जो है 1869 में इस नहर की जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। ये था उत्तर आपका 8वें का, और 9वें का देखते हैं उत्तर और एमसीक्यू 9 का।
यानी कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो ए पनामा, बी आपका कोस्टरिक और सी आपका निकरगुआ और डी आपका हंडुरास। क्या उत्तर सही होगा जल्दी से बताइए। एमसीक्यू नंबर 9, जल्दी से बताइए। हाँ, क्या उत्तर होगा? ए इज द राइट आंसर, यानी कि पनामा, यानी कि उत्तरी अमेरिका और तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संक्रय स्थल से जुड़ा है जिनसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है तथा ये स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। इसके लिए ये आंसर सही है। अब आज का अंतिम एमसीक्यू देखते हैं, दसवां, यानी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, पहला, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। विश्व को सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर फैली है। तीसरा, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए और दो, ए बी दो और तीन, सी एक और तीन और डी सभी। उत्तर बताइए कौन सा सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, हाँ जल्दी से, हाँ इज राइट आंसर, यानी कि कथन एक गलत है। क्यों गलत है? तो इस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है और दक्षिण में अमेरिकी महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और आप मेरे सोशल मीडिया साइट से भी जुड़ते रहिए और हैं आपके स्क्रीन पर सारे नाम दिए हुए हैं, तो इन सभी सोशल मीडिया साइट से जुड़े बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप सभी को ये एमसीक्यू करवा करके बहुत अच्छा लगा। 10 में से 10 जिसके उत्तर हैं जल्दी से बताइए ताकि मैं आपका नाम घोषित कर सकूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।